अलग अंदाज में धरना प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने एक बार फिर रीवा में किसानों की समस्या को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सहकारी केंद्रीय बैंक की मुख्य शाखा में गद्दे डालकर धरने में बैठ गए हैं और अनोखे तरीके से विरोध जताया। विधायक का आरोप है कि किसान गेहूं धान बेचकर भुगतान के लिए भटक रहे हैं। सरकार ने भुगतान किया है लेकिन अफसर किसानों को रुपए नहीं दे रहे। अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे ये सत्ता पक्ष भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए हाल ही में जिस मंत्रालय की नींव रखी थी, उसी सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की मुख्य शाखा में विधायक किसानों की मांगों को लेकर गद्दे डालकर बैठे हैं। विधायक का आरोप है कि सरकार ने किसानों को फसल का भुगतान कर दिया है, बावजूद इसके किसानों को भुगतान नहीं मिला है। विधायक का कहना है कि जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है तो उनके हक की लड़ाई लड़ना उनका काम है। उधर प्रबंधक की अब दलील है कि कुछ के भुगतान लंबित है, उनके मांग पत्र नहीं मिले हैं, कई बार कैश की कमी होने के चलते भी भुगतान में देरी हो जाती है। ऐसे में वो विधायक से सिर्फ निवेदन कर सकते हैं। उनकी मांग ये है कि जो माननीय विधायक जी के कार्य क्षेत्र में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाएँ हैं वहाँ पर जो किसानों के खाते हैं जिनका पेमेंट अभी बचा हुआ है वो एक एक किसान का जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से धरने से नहीं जाएंगे। तो हमारे बगल में ये महाप्रबंधक हैं श्री वाई के सिंह कोऑपरेटिव बैंक के, इनका भी ये कहना है कि जिसका जो भी मांग पत्र आएगा और बैंक अपनी संसाधनों की व्यवस्था के अनुसार उनका भुगतान करें। इतनी सी किसको विधायक जी को समझाया है तो अब वो अब तो मैं तो निवेदन कर सकता हूँ। बस इससे भुगतान की प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक तौर पर बैंक में आपका जब खाता होता है तो आप विड्रावल के लिए वहाँ पे अपना आवेदन देते हैं और अकॉर्डिंगली आपके खाते के राशि के हिसाब से उसमें भुगतान किया जाता है। हाँ, हमेशा जो भी किसान अभी धान और गेहूं खरीदी में जिन्होंने जिनके खाते में पैसे आए थे उनका यथानुसार जब जब उन्होंने किया और बैंक के वित्तीय स्थिति के हिसाब से मैंने सबका भुगतान किया। यदि कुछ और बचे रह गए हैं तो आए जैसे जैसे आते जाए उनका भुगतान किया जाएगा। जनता के मुद्दों को उठाने की भाजपा विधायक मऊगंज की अपनी अलग शैली है। सत्ता पक्ष में होने के बाद भी वो धरना प्रदर्शन करने से नहीं चूकते। इससे पहले भी वो बिजली विभाग के दफ्तर पर भी मौन धारण कर धरना दिया करते थे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।